पकड़ी हाई को पकड़ लीजिए, वो पीछे पीछे उसको छोड़िए ना, इसको पकड़िए, हाई पकड़ लीजिए, किसका पकड़ लिए, इसको लाइए, हमको लाइए, इसको पकड़िए, हमारा है वो। अरे गुस्सा हो गए तुमने यार, आप तो पहना रहे हैं, आइए तन सर पकड़ लीजिए ना, हाई पकड़ लिया, आइए फोन आई, अनिकेत भैया का है, अनिकेत पुलिस कश्यप एक मजदूर के साथ पटना एयरपोर्ट लौट रहे हैं, और ये वो मजदूर है जो 13 महीना से जेल, 13 महीना से, 13 महीना से मनीष कश्यप के इंतजार में ये घर नहीं आए थे, ये 9 महीना से अपने घर नहीं गए थे, 9 महीना से नहीं, 13 महीना से, 9 महीना तो मैं जेल में रहा, तो 13 महीना से घर नहीं गए थे, इन्होंने प्रण किया था कि जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाता है वो मनीष कश्यप जेल में है, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। जब मुझे इनका वीडियो देखने को मिला, इनका वीडियो मैं सोशल मीडिया पे मुझे कुछ दोस्तों ने भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं इनसे मिलूं, मैं इनसे मिलने गया था तो ये खेत में काम कर रहे थे, उसके बाद से मुझे लगा कि इनको अपने साथ लेके चलते हैं, मजदूर भी सपना देखेगा कि हम हवाई जहाज़ पर चढ़ सकते हैं, सही है कि नहीं है, और इनके बच्चे भी सपना देखेंगे, तो हवाई जहाज का एक्सपीरियंस जो है इनका कैसा रहा है ये आप लोग पूछिएगा तो ये खुद बताएंगे, बोल सकते हैं, पहले उतना नहीं बोल पाते थे लेकिन अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। कितने महीना से घर नहीं गए थे, कितने दिनों से घर नहीं गए थे आप? 13 महीना घर नहीं गए थे। किस लिए नहीं गए, घर क्यों नहीं गए थे? हम 4-5 महीना हो गए थे, हम धान काटने गए थे, काम करने गए थे। सवाल की बात ये है, भविष्य में बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे, बाबा का ढाबा जैसे एक वीडियो, तो ये भी सवाल करेंगे कि मनीष कश्यप इनका वीडियो बना के जो है हाईलाइट हो गया, ये हो गया, हो गया, फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक मजदूर को हवाई, इधर आओ, इतना पीछे रहा वो, ले लीजिए ना, आज माला है आपके लिए, रखिए ना, मजदूर हवाई जहाज में चढ़ना शुरू कर देगा, आज 3 दिन का मैंने किया, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप पूनान बिहार का हाल, और आप लोग देख पाए सामने पर, लेकिन उसी मनीष कश्यप ने कैसे पहुंचे तो हवाई जहाज पे चलाया, कि जीत बांध कर बैठा था, जब तक मनीष कश्यप ये बाहर हमारे साथ मनीष कश्यप है, वो मजदूर है जो कि बिहार से बाहर को अपने घर नहीं लौटे, क्या कहानी है मनीष कश्यप? देखिए ये 13 महीना से घर नहीं आए थे, 4 महीना हो गए, तो वहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे गया मैं, इसे मिला, मुझे अच्छा लगा, मैं उनसे बात किया, उसके बाद से मैंने सोचा था कि क्यों ना इनको भी हवाई जहाज का सफर कराया, क्योंकि बिहार के मजदूर, बिहार के आम लोगों के वजह से ही बिहार के बड़े बड़े नेता जो है हवाई जहाज पे बैठ पाते हैं, इनके वोट की ताकत है, वही इनकी ताकत है, इन्हें इनका ताकत दिखाने का मैंने प्रयास किया कि तुम कितने ताकतवर हो, इस चीज को समझ सकते थे और ये अपने ताकत को समझे, ये जब बड़े बड़े नेताओं को जो है हवाई जहाज पे अगर वोट ना दे तो वो नेता नहीं चढ़ पाएंगे, तो ये जब नेताओं को हवाई जहाज चढ़ाने वाले मजदूर मीडिया लोग अपने बच्चों को हवाई जहाज पे क्यों नहीं चढ़ाते, कहानी है और ये पॉजिटिव कहानी है, लोगों को ये संदेश जाएगा कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमारे भी बच्चे जो है हवाई जहाज, अच्छा अंग्रेजी में यार मिस्टेक बात कर रही थी कि हिंदी में, अंग्रेजी में समझे नहीं, अच्छा आप क्या मांगे थे उससे, पानी मांगे थे, कि कैसे मांगे थे, वाटर बोले थे, पानी दी थी, और कमाल की बात ये है कि ये बिहार के पहले मजदूर नहीं, देश के पहले मजदूर है जिससे पायलट साहब खुद मिले, अच्छा पायलट साहब मिले कि नहीं आपको, अच्छा कॉकपिट दिखाए कि नहीं दिखाए, आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे, अच्छा अंदर क्या क्या देखे, कितना स्विच था, स्विच का तो कोई कमी ना था, ड्राइवर था, ड्राइवर था, अच्छा लेडीज जेंट्स था, लेडीज भी था, जेंट्स भी था, और आप क्या है,
अच्छा नहीं, आप ड्राइवर है कि क्या? हम भी ड्राइवर है। आप कहाँ? मैं धरती पर भी ड्राइवर है, चार चक्का तक के ड्राइवर है। एक सवाल रहेगा आपसे, एक सवाल रहेगा आपसे, ये एक मजदूर थे जिनको आप हवाई जहाज पे चला के आए, लेकिन आपको भी पता है कि बिहार के लाखों करोड़ों मजदूर है जो बिहार से बाहर है, इसलिए हम लोग कहते हैं प्रवासी किया जाए। एक को आप चढ़ा दीजिए, एक को हम चढ़ा दिए, बाकी सब को आगे तैयारी, क्योंकि आगे तैयारी रहेगी आपकी सरकार, इनके हौसलों को पंख देने की जरूरत है। सर ये बात नहीं है मनीष भैया, तुम यहाँ बोलने का चलने का रास्ता भर रहा है, चलने वाले तो खुद है, सब अपना अपना। हम सलाम खान लिए थे, वचन भी दिए थे कि हम जब मनीष भैया अच्छा मनीष कश्यप के साथ मनीष जी बिहार में सफर करता रहा, सरकार लाए या ना ना लाए हम और आप ला सकते हैं, चलिए प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों के पास जो पैसा आता है यूट्यूब चैनल से, वो मजदूर देखते हैं तो ही पैसा आता है ना, तो इन्हीं का पैसा है, इन्हीं में खर्च किया जाए। चलिए ये लोग बहुत क्या देंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि मनीष को बहुत कमाते हैं, कमाता है तो इन्हीं लोगों पर हम उड़ा देते हैं, ये चीज़ है। इन लोगों के द्वारा मेरे पास जो भी एक पैसा भी आता है वो इन लोगों की वजह से आता है, इसलिए मैं इन लोगों पे खर्चा करता हूँ। देखिएगा कुछ दिन बाद ये भी कॉन्ट्रोवर्सी होगा कि उसका वीडियो बना के मनीष को हाईलाइट, जबकि उन लोगों को नहीं पता है मनीष को पहले ही से हाईलाइट। क्या मतलब इस तरह का मुहिम चलाएंगे आपकी जितने भी एकदम से कुछ ऐसा उन्होंने कीजिए ना जिससे समाज में एक अच्छा सा नाम है। समझे कहाँ घर है आपका अररिया में? अच्छा कमाल की बात यह है कि छोटे समय में प्रयास किया और यहाँ पे इतने सारे चैनल वाले जो हैं एक मजदूर को यहाँ पंद्रह केस में मैं बेल लेके आया हूँ, चार अठारह केस यही सब करने के दौरान जो है मजदूर का इंटरव्यू हो रहा है, यूट्यूबर का हो रहा है, इतना जरूर सोचा हूँ कि बिहार के मजदूरों तथा बिहार के किसानों तथा बिहार के युवाओं के आंखों पे जो सपने मर चुके थे उसे जिंदा करता हूँ। एक आखिरी सवाल, बीते दिन जो आरजेडी की राज्यसभा सांसद उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव करीब है तो कल से सीबीआई ईडी जाने दो भाई, जो अपने साइकिल माइक लगा काजल उधर से जो हो गया वो इतना पे आवाज मिलेगा ना, सरकार मेरे ऊपर कार्रवाई कर, लोग कहेंगे कि फिर से आप टीआरपी लेने लगे मजदूरों के नाम से। बढ़िया बात है, मनीष का सब भागशाली है कि टीआरपी मनीष का सब को मिल जाता है तो अच्छी बात है ना, भगवान करे कि मुझे खूब टीआरपी मिले। इससे क्या कौन सा गुनाह है, वाला कौन सा काम है, ये कोई गलत बात हो रही है? मैं वैसा काम करूंगा, मुझे टीआरपी मिलेगा, नहीं काम करूंगा नहीं मिलेगा। अच्छा ये जो आप जिस मजदूर भाई साहब को लाए हैं ये हरियाणा में काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये भी इनसे मैं पहले मिल चुका हूँ, बोले कि मनीष भैया के कारण ही हम नहीं गए हैं, तो ऐसे ऐसे हम जब मजदूर के लिए आप आवाज उठाए मजदूर ही आपसे बहुत प्यार करते हैं और सरकार कहती है कि हम मजदूरों का गलत वीडियो डालते हैं, अफवाह फैलाते हैं, इसमें एनएस से लगे आप जनता से पूछ लीजिए, जनता जवाब देगा। मैं क्यों बोलूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जवाब देंगे कि मैं मजदूरों के हक के लिए लड़ता हूँ,
मजदूरों के खिलाफ लड़ता हूँ वो बताएंगे, और मजदूरों का हक आखिर बिहार में किसने मारा वही कमेटी में बताएंगे। अच्छा ये मजदूर भैया आप हवाई जहाज से आए, कैसा लग रहा है आपको? मनीष भैया लाए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मनीष भैया लाया, हम तो सपना में नहीं देखे थे कि हवाई जहाज पर चढ़े। आपको कोई अनुमान हो गया हवाई जहाज पर चढ़ा था? नहीं नहीं, हम गरीब परिवार से, हमारा खाना नहीं चढ़ा। तो मनीष का क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे भाई हमारा, हम क्या कहेंगे, जो कहेगा हमारे रास्ता दिखाएगा, हम नहीं बता सकते। नहीं, अच्छा क्या काम करते हैं वहाँ पे? कितना पैसा मिलता है वहाँ पे? पैसा तो छोड़ो, हम लोग खेती की रस्ते 600 रुपया तैयारी मिलता है। अच्छा कहते हैं इतना पैसा नहीं मिलता है, इस वजह से ईडी और सीबीआई जो है इनके घर पे। अच्छा, लेकिन ईडी सीबीआई घर पे जाए कि इनके घर में पैसा क्यों कम, इसके लिए भी तो जाए। एकदम बिल्कुल, आप क्यों नहीं आ रहे थे बिहार? इसके पीछे कारण क्या था? अच्छा इन्हीं को मारा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। अरे हम बोल नहीं रहे, हम बता रहे हैं। बोलो बोलो, क्या क्या चुप कर। बस मुझे ये बिहार है भैया, यहाँ मौका मिलता नहीं, छीनना पड़ता है, और इन्होंने छीनने का प्रयास किया। हिंदी के सबसे महान कवि में से एक प्रेमचंद ने कहा था, जब आपके हक कोई मार ले तो उसके हलक में हाथ डाल के अपने हक की रोटी छीन ले। वही कर रही थी, वही कर रही थी, कर रही थी। फोटो खींच, मजदूर भी नहीं, आपका बेटा मजदूर नहीं बनेगा। अब मजदूर का बेटा बिहार में मजदूर नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा हवाई जहाज चलाएगा। ये जो है गाड़ी चला रहे थे, फोर व्हीलर चला रहे थे, अब इनका बेटा हवाई जहाज चलाएगा। पायलट इनसे बात किए हैं, पूछे इनसे पायलट बात किया, आप लोग गए अभी फ्लाइट पे तो पायलट नहीं बात करते हैं, इनसे पायलट बात किए। और दूसरे वो पायलट थे, एक लेडीज और एक जेंट्स, मतलब के हिसाब से दोनों ड्राइवर थे, और उन्होंने कॉकपिट दिखाया है, कॉकपिट पर घुमाया ना उन लोगों ने। टैक्सी